in tufts and never branch that is the characteristic of pogonatum which is a acrocarpous moss india may ye eastern himalaya western himalaya as well as some parts of the western ghats especially in the kerala region this uh, pogonatum species several species has been found in india hello students i'm dr Das and i'm going to discuss pogonatum and where I am going to give an overview of its morphology, anatomy, economic importance, distribution, habit, habitat. In the next video following it, I will be um, giving about the details about the reproduction and the life cycle. So let's begin the video. Taxonomic position, Pogonatum ki. Pogonatum ya spike moss. You will be curious to know. कि इसकी ऑर्डर एंड फैमिली इज सेम दैट ऑफ द पॉलीट्राइकम अब ये इसीलिए है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ पॉलीट्राइकम व्हिच वॉज अर्लियर कंसीडर्ड एज पॉलीट्राइकम हैज बीन ग्रुप्ड टुगेदर। इसको पॉलीट्राइकम uh, के uh, कुछ स्पीशीज uh, uh, को साथ में मिल, मिला के जीनस पोगोनेटम बना है और इंडिया में इसकी 28 स्पीशीज मिलती है, हालांकि पूरी वर्ल्ड में 199 ना, ना, स्पीशीज है इंडिया में मोस्टली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट की एकदम साधन टिप जैसे केरला में ये पाए जाते हैं माइक्रो माइक्रोस्टोम ये

जस्ट लाइक अदर मॉसेस इसकी जो राइजोम है अंडरग्राउंड रहती है काफी डीप रहती है सो दैट इज वाई इट इज टोटली पेरिनियल क्योंकि अगर पूरा जो ड्राई ड्रॉट कंडीशन रहती है तब तो जाके एरियल पोर्शन भले ही खत्म हो जाए लेकिन द अंडरग्राउंड राइजोम इट स्टेज इट स्टेज लिविंग एंड स्टेज में लेकिन लिविंग रहती है एंड ऑन रिटर्न कंडीशन राइजूम से ही फर्दर ग्रोथ होती है सो so, अगर हैबिटेट देखे तो इसकी हैबिटेट डाइवर्स है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं मोस्टली लेकिन ये डेसिकेशन प्रोन भी है क्योंकि राइजूम बहुत टीप में रहती है एंड इसीलिए ये बट डेसिकेटेड कंडीशन में अपर पोर्शन भले ही ये वाले अपर पोर्शन भले ही खत्म हो जाए लेकिन डीप में जो राइजोम रहती है वो डोरमेंट सी में रहती है एंड ऑन रिटर्न ऑफ़ फेवरेबल कंडीशन वापस से ग्रोथ शुरू हो जाती है दैट इज वाई इट इज प्रोन टू डेसिकेशन इसके अलावा भी ड्राई uh, रीजन के अलावा भी मॉइस्ट रीजन में जस्ट लाइक अदर ब्रायोफाइट्स इसको मिल जाते हैं बट द मेन थिंग इज दैट ये बहुत ही एक रूडीरल स्पीशी है मतलब डिस्टर्बड एरिया में भी ये इज़िली ग्रो कर पाता है मतलब बहुत ही हार्डी स्पीशी है स्पेशली व्हेन इट इज ग्रोइंग ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसकी यूरोप नॉर्थ अमेरिका में जो 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 ठंडे वाले रीजन है सो वो ठंडे रीजन में पाए जाते हैं लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में इसकी बहुत सारा बहुत साउथ ईस्ट एशिया में इसको जैसे कोरिया में यू कैन फाइंड इट इन द फिलीपींस यू कैन फाइंड इट इन इवन इन चाइना इंडिया में तो पाए जाते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में इन द हिमालयन रीजन आपको पाए जाएंगे एज वेल एज द एज वेल एज द वेस्टर्न घाट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है पोगोनेटम की जस्ट लाइक मेनी अदर ब्रायोफाइट्स इसकी कुछ मेडिकल इम्पोर्टेंस है अपार्ट फ्रॉम दैट ये ट्रेडिशनली इसको बेडिंग मटेरियल के तरह यूज किया जाता था जो कि आजकल उतना नहीं होता है सो so, आज के जमाने में इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ दो चार मेडिसिनल जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसी की वजह से अभी आते हैं इसकी मोर्फोलॉजी ये दिखने में कैसा है वेल well, हमको पता है कि इसकी जो मेन डोमिनेंट स्टेज है ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है और गैमेटोफाइट में क्या है गैमेटोफाइट में ऐसे एक राइजोम uh, रहती है और राइजोम से इरेक्ट जो है ब्रांचे इरेक्ट स्ट्रैंड्स रहते हैं तो मेनली क्या रहती है इरेक्ट स्ट्रैंड्स एक सेंट्रल सिलेंडर और स्पाइरली लीव्स रहती है तो अगर हम ये राइजोम को पहले देखे दिस राइजोम सो द राइजोम लुक्स समथिंग लाइक दिस ये क्या है राइजोम के ऊपर जो राइजोइड्स ग्रो करती है द राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर एंड थिक वॉल्ड और ये राइजोइड्स क्या करते हैं बहुत सारे जो राइज़ोम के ऊपर राइज़ोम के ऊपर जो राइजोइड्स ग्रो करते हैं दैट इज मल्टीसेल्यूलर दे आर मल्टीसेल्यूलर और ये सारे राइजोइड्स क्या करते हैं एक साथ इकट्ठे होके एक रोप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ ऐसा ये सारे राइजोइडियल स्ट्रैंड्स एक इकट्ठा होकर ऐसे रोप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये रोप जैसे स्ट्रक्चर में आपको ऐसे रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल देखे जाएंगे जिसको बोलते हैं जिम्मा हालांकि पोगोनेटम के मोस्ट ऑफ द स्पीशी में ऐसे जिम्मा नहीं देखे जाते हैं लेकिन समटाइम्स वी कैन सम स्पीशीज वी कैन सी दिस जिम्मा जो अंडरग्राउंड पोर्शन में राइजोइडियल स्ट्रैंड्स जो रोप जैसा फॉर्मेशन कर लेता है उसके ऊपर ऐसे जिम्मा देखे जाते हैं So what is the function of this एक तो ये बहुत में रहती है तो ये पेरिनेटिंग एक structure है, जो कि ड्रॉट के टाइम पे ये ऊपर वाले पोर्शन भरे ही मर जाए एक नीचे वाला पोर्शन जिंदा रहता है तो एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे रिप्रोडक्टिव प्रोपर जैसे जेमा को फर्दर uh, प्रोड्यूस करता है और रूट्स के जो फंक्शन रहते हैं जैसे एंकरेज वेल वाटर पानी और मिनरल को करना ये भी राइजोम ये की फंक्शन है इसके बाद तो ये राइजोम जो है अंडरग्राउंड पोर्शन इसके बाद आते हैं द एरियल पोर्शन एरियल पोर्शन जैसे ये हमारा राइजोम हो गया तो ऊपर का पोर्शन दिस इज़ द एरियल पोर्शन एंड सी दिस एरियल पोर्शन में भी हम आपको एक सेंट्रल स्टॉक दिखेगा जिसमें स्पाइरली अरेन्ज स्पाइरल अरेन्ज मतलब ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स आपको दिख जाएंगे एंड ये जो लीव्स है इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी सो स्पायरली जो लीव्स रहती है ये दो टाइप के होते हैं जो ये वाला लोअर वाला पोर्शन है इसमें आपको स्केल लीव्स दिखेंगे एंड द अपर वाला पोर्शन उसमें आपको फोलिएज लीव्स दिखेंगे तो जो सेंट्रल स्ट्रैंड uh, है जो इरेक्ट स्ट्रैंड है सो ऑन द लोअर पोर्शन हमको दिख रहा है स्केल लीव्स एंड अपर पोर्शन इज द फोलियज लीफ और फोलियज लीफ से ऊपर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द गैमिटोफाइट इट इज दार्ट ऑफ द स्पोरोट जो कि ये फर्टिलाइज जब एक फर्टिलाइज हो जाती है तो जो स्पोरोफाइटिक जेनरेशन होती है तो दिस इज दार्ट ऑफ द स्पोरोटिक जेनरेशन अदरवाइज यहाँ पे जब स्पोरोफाइटिक जनरेशन नहीं रहती है तो इधर पे आपको एंथ्रीडियल या आर्किगोनियल क्लस्टर दिख जाएगा सो so, ये जो पोगोनेटम है इसकी इरेक्ट जो एक्सिस है उसकी टर्मिनल पॉइंट पे आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स दिख जाएंगे या तो स्पोरोफाइटिक जेनरेशन आपको दिख जाएंगे सो so, ये जो लीव्स के बारे में आते हैं तो ये जो लीव्स है दीज आर ग्रीन लीव्स लेकिन इसके नीचे जो है ये वाला पोर्शन में आपको नॉन ग्रीन स्केल लीव्स दिख जाएंगे जो कि प्रोटेक्शन के लिए है और ये जो ग्रीन लीव्स है ये फोटोसिंथेसिस के लिए है एज वेल एज वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है सो दिस इज हाउ इट लुक्स आपको इधर दिखी दिखी जा गया है एक एक जो है कैसे दे आर नॉट ब्रांचिंग एट ऑल एंड दे आर ग्रोइंग इन क्लोज क्लस्टर्स मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ लीफ जो कि कुछ ऐसा दिखता है लीफ के दो पोर्शंस रहते हैं जो नीचे वाला शीथिंग बेस है दैट इज यूजुअली उसके उतने कलर्स नहीं रहते ऑलमोस्ट कलरलेस ही रहते हैं आ क्लोरोफिलस सेल्स रहती है लेकिन ये जो रिब है ये वाला पोर्शन जो अपर वाला पोर्शन है इसमें ही आपके फोटोसिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस होती है मतलब फोटोसिंथेसिस सेल्स की लेयर्स रहती है जिसको हम लैमेला बोलते हैं और बीच बीच में वाटर या एयर वा, ट्रांसपोर्ट के लिए जगह रहती है तो एक ही जो फोलियज लीफ है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है उसकी दो पार्ट रहती है शीडिंग लीफ बेस जो कि ये अगर स्टेम है तो इसको पूरा क्लास्प करके इसको पूरा क्लास्प करके लीफ बेस जो है तो ये आ, आ, वाला पोर्शन शीडिंग वाला पोर्शन इज नॉन क्लोरोफिलस ओनली द अपर पार्ट इज डूइंग द फोटो सिंथसिस अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा सो दिस सेंट्रल पार्ट जो है ये ये वाला है। है। तो ये काफी ज़्यादा मोटा होता और उसी में फोटोसिंथेसिस होती है ये हम जब इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हाँ ये जो मैं बोल रही थी कि एक, एक एक लैमेला है तो ये एक एक लैमेला के में जो है एक एक सेल ऐसा रहता है सो दिस इज दिस एंड इसकी ऊपर वाले सारे जो पोर्शन है दैट इज लैमेला जो स्केल लीफ होते हैं वो वो यूनी सेट होती है मतलब सिंगल लेयर्ड होती है और उसमें ऐसे सेल्स जो है उसमें मिड रिप जैसा कुछ नहीं रहता सो स्केल वेरी स्मॉल ऐसे ट्राइंगुलर रहती है और उसमें जो है कोई मिड रिप वाला पोर्शन नहीं रहते है इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इनेशन ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं राइजोइड राइजोम की अब राइजोम में सबसे एकदम आउटर uh, में रहती है सिंगल लेयर की एपिडर्मिस सिंगल लेयर के एपिडर्मिस के बाद आपको दिख जाएंगे दिस इज द कोर्टेक्स अब देखिए कोटेक्स में आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलेंगे जो ऐसे ऐसे थिक uh, वॉल्ड आपको दिख रहे हैं नॉट जज लाइक दिस बट एक मिनट आपको जो थिक वॉल्ड ये वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज द हाइपोडर्मिस और ये थिक थिकवर्ल्ड रहती है इसकी फंक्शन रहती है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ थे बाकी ये सारे जो है दीज आर द टूअर्स कोर्टेक्स पैरनकाइमेटूअर्स कोर्टेक्स के एकदम लोअर वाला रीजन में आपको दिख जाएगा ऐसे रेडियली इलोंगेटेड दीज आर द रेडियली इलोंगेटेड सेल्स एंड दे फॉर्म द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द एंडोडर्मिस ऑफ द कोर्टेक्स उसके बाद आती है हमारे सेंट्रल सिलेंडर जो कि मोस्टली मिनरल वाटर फूड कंडक्शन के लिए रहती है फूड कंडक्शन में आपको सबसे पहले हम देखते हैं दीज आर द हाइड्रॉइड्स अब हाइड्रॉइड्स की खासियत ये रहती है कि जो हाइड्रॉइड है ये इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं रहती है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर कंडक्शन के लिए बना है सो दिस इज द हाइड्रोइड इसके बाद आते हैं ये वाला पोर्शन दीज आर द लेप्टोइड लेप्टोइड में मिनरल एज वेल एज न्यूट्रिएंट कंडक्शन के लिए बनी रहती है और हाइड्रोइड लेप्टोइड के बाद अगर हम देखें तो ये वाले जो ये वाला जो एक आपको दिख रहा है जो ये वाला दिस रीजन दिस इज दू की मिनरल फूड सारे फंक्शन so um, रहती है स्टोरेज की ये वाले जो ये वाले सॉरी ये वाले थ्री रीजन हमको दिख रहा है दीज आर दू की वॉटर मिनरल्स एंड फूड कंडक्शन के लिए रहता है एंड वी हैव आवर हाइड्रॉइड्स विच आई एम ड्राइंग इन ग्रीन दीज हाइड्रॉइड्स दे आर मोस्टली फॉर वॉटर कंडक्शन सो दिस इज प्रेटी मच हाउ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ राइजॉइड्स लुक एकदम अपर लेयर में एपिडर्मिस देन यू हैव द कोर्टेक्स कोर्टेक्स भी डिफरेंशिएटेड रहती है पेरेंकाइमा एंडोडर्मिस पेरिसाइकल देन वी हैव द इनर सिलेंडर विच कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोइड लेप्टोइड एज वेल एज स्टोरेज एलिमेंट्स जेट इज द एमाइलो और आपको ये भी दिख रहा है कि राइजोइड्स निकल रहे हैं सो दिस इज एनाटोमी का मैंने जो एक्सप्लेन किया उसी का ही मैंने लिखा है जस्ट गो थ्रू इट स्लाइड पॉज करके दिस इज ऑल्सो स्लाइड करके एनाटोमी देख लीजिएगाउट द स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन जो एरियल वाला पोर्शन होता है तो यू सी दैट द एरियल पोर्शन इसकी जो है ये वाले जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द लीव्स जो है ना अपर एपिड अच्छे से दिख जाएगा सो दिसल ले और उसके बाद जो है अपना कोटेक्स चालू आउटर कोटेक्स दिस इज द आउटर कोटेक्स विच कंटेन्स दिस लीव ट्रेसेस अब आउटर कोटेक्स जो है ये जनरली uh, तीन से पांच लेयर तक ही रहती है और ये पैर तो जनरली रहती है लेकिन बीच बीच में इसकी जो है ऐसे लीव ट्रेसेस दिस ट्रेसेस जो, जो आपको दिख रहा है ऐसा दिख जाएगा सो जस्ट बेनिथ द एपिडर्मिस वी हैव द आउटर कोर्टेक्स थ्री टू फाइव लेयर विच कंटेन्स द लीव ट्रेस इसके बाद आते हैं द इनर कोर्टेक्स इनर कोर्टेक्स एज यूज वी सी द इनर कोर्टेक्स इनर कोटेक्स में भी सेल जो है पेरेंटकाइमेटिवस ही होती है लेकिन इनर कोटेक्स में कुछ और स्पेशल चीजें भी रहती है जैसे द लेप्टोइड दीज आर द लेप्टोइड सेल्स विच आर डिवॉइड ऑफ एनी स्टार्च लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ सेल्स आप देखो दीज आर द लेप्टोइड मेंटल सेल्स दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च और ये स्टोर करने के लिए सो so, लेप्टोइड और लेप्टोइड मेंटल ये दोनों रहते हैं लेप्टोइड जोन में उसके अंदर सो दिस इज़ द इनर सो इट हैज़ द लेप्टोइड मेंटल सेल्स तो लेप्टोइड मेंटल के अंदर और भी नीचे अगर सेंट्रली जाए तो हमको दिखेंगे एक सेंट्रल जोन एक सेंट्रल जोन जिसको हम दो टाइप के सेल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एक तो जो स्टेराइड सेल्स रहती है स्टेराइड सेल्स मोस्टली क्या रहती है इलोंगेटेड रहती है थिन वॉल्ड रहती है लेकिन इसमें प्रोटोप्लास्ट रहती है मतलब लिविंग रहती है दूसरा टाइप का सेल रहती है हाइड्रोइड हाइड्रोइड क्या है ये थिक वॉल्ड रहती है हाइड्रोइड थिक वॉल्ड सेल्स ये आपके स्टेरॉइड्स अगर हो गए लेकिन ये आपके हाइड्रॉइड्स होंगे जो कि थिक वॉलड है और प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो फिर से अगर हम रिव्यू करें तो इट हैज द आउटर एपिडर्मिस उसके अंदर सेंट्रली इज द आउटर कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स में

उसके भी अंदर आपको जो जो सेंट्रल रीजन होती है जिसको जिसमें जिसको हम हेड्रोम 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 सिलेंडर भी बोलते हैं तो उसमें दो टाइप के सेल्स रहते हैं स्टेराइड्स एंड हाइड्रोइड एनाटोमी ऑफ द एरियल स्टेम एरियल पोर्शन ये मैंने इसको पॉज करके पूरा देख लीजिएगा फिर आते हैं इसका लीफ लीफ की ट्रांसवर्स ये जो लीफ है दीज लीव द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस लुक लाइक दिस सो ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द फोटो सिंथेटिक रीजन लैमेला और आप देखिएगा लैमेला के बीच में वी आर गेटिंग एयर गैप्स दिस दिज यैप्स इज फॉर रेस्पिरेशन और कभी कभी ये वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करता है क्योंकि हमको पता है कि ब्रायोफाइट ऐसी प्ला, प्लांट है जिसमें आपको इंटरनल वाटर कंडक्शन के अलावा एक्सटर्नल वाटर कंडक्शन भी मिलते हैं क्योंकि दे आर नॉन वास्क्यूलर ये एक एक लैमेला जो है ऐसे आपको बहुत सारे लैमेला मिल जाएंगे एक सेल में

लेकिन सेंट्रल रीजन में सात तक भी रह सकता है लेकिन ये लैमिला की एक खासियत है कि इसकी अपर वाली सेल विच इज नॉट क्लोरोफिलस और ये कभी कभी डिवाइड करके दो सेल में भी फॉर्म होता है लेकिन ये जो एकदम अपर वाली सेल है जो कि एपिडर्मिस फॉर्म करती है सीडो एपिडर्मिस फॉर्म करती है दीज आर मोस्टली नॉन इसके नीचे वाले जो पोर्शन है दीज आर द स्टोरेज रीजन सो वी सी दट लोअर एपिडर्मिस जो है दिस इज कॉन्टिन्यूअस अपर एपिडर्मि कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि लैमिला है ऊपर कंटिन्यूअस सेल लेयर तो नहीं है बीच बीच में उसको यर गैप uh, मिल रहे है बहुत सारे दिस इज हाउ इसकी डिस्क्रिप्शन एनाटोमी ऑफ द लीव की डिस्क्रिप्शन आप देख लो जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पोगोनेटम्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इट्स है बेसिक ओवरव्यू नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं इसकी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ दिस मॉस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ड्राइफाइट वाले वीडियो की लिंक मैंने डाल के रखे है यू कैन गो टू माई चैनल फॉर ऑल अदर बोटनी माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्रिप्शन फ्री है पर मैं इंकरेज फील करती हूँ एंड ऑफकोर्स अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो